आज अनलॉक करते हैं ग्रामर की एक ऐसी यूनिट जो हमें बहुत ही गलत तरह से पढ़ाई गई थी हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में पैसिव वॉइस मतलब सीता गाना गाती है गाना सीता के द्वारा गाया जाता है कम मॉन वाई डू वी इवन नीड टू स्पीक सेंटेंसिस लाइक दैट ऐसे तो हम कभी हिंदी में भी नहीं बोलते हैं ना और जो सेंटेंसेज आप पैसे वॉइस के रूल्स को यूज करके ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश रेट इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं वो ग्रामर का कोई भी टॉपिक आपको ये लिबरेशन नहीं दे सकता तो वीडियो को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में पहले पार्ट में हम इंटरव्यू करेंगे पैसे वॉइस के कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये जानने के लिए कि पैसे वॉइस की कहानी क्या है और दूसरे पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि पैसे वॉइस क्यों और कब यूज़ करना है इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइड वी आर फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स ये कोर्स आपको प्रेजेंट किया है ओशन इंग्लिश अकेडमी ने इस कम्युनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल पार्ट बनने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल और अगर पुराने हो तो मेहनत से पढ़ना क्योंकि थोड़ा महंगा सेशन है ये सेशन आपको इस तरह कभी ना किसी ने सुनाया होगा ना ही पैसे देकर खरीदी गई किताब में मिलेगा मैं बहुत हम्बल तरीके से ये बात आपको कह रही हूँ आप समझ गए ना चलिए वीडियो शुरू करते हैं सिर्फ so, वॉइस है तो इंग्लिश ग्रामर है पर क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक था तो लर्नर्स वैसे वॉइस को सीखना थोड़ा इग्नोर करते थे सिर्फ so, वॉइस का दिल तो उसी दिन टूट गया था जब ग्रामर बुक्स ने उसको गलत समझ ये प्रिंट कर दिया कि खाना मोहन के द्वारा खाया जाता है बहुत बुरा दिन था वो पैसे वॉइस के लिए और उसके बाद पैसे वॉइस लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया और पैसे वॉइस भी लोगों की दुनिया से बहुत दूर चला गया देखिए पैसे वॉइस रॉयल फैमिली से था और उसका टारगेट था कि वो दुनिया को कुछ नया सिखाए कुछ ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना सिखाए जो नॉर्मली टेंसेस की मदद से कभी नहीं बन सकते हैं पर पैसेव वॉइस को बुरा तब लगा जब पता चला कि बच्चे पैसे वॉइस को बस एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं उसका बस यूज़ किया जाता है एग्जाम में अच्छे नंबरों के लिए और फिर उसको भूल जाते हैं इट वॉज़ रियली डिसहार्टनिंग थोड़ा ग्लूमी बैकग्राउंड है ना पैसि वॉइस का वेल डोंट वरी वी विल डू जस्टिस विद पैसि वॉइस टुडे उस बुकिश लैंग्वेज को भूलकर कर ये समझते हैं कि हमारी रियल लाइफ इंग्लिश में पैसि वॉइस कैसे और कब यूज़ होता है एक सिचुएशन के थ्रू समझते हैं मान लेते हैं कि ये शॉप हमें लॉकडाउन के टाइम पर थोड़े कम पैसों में मिल रही थी तो हमने सोचा कि शॉप को अभी परचेज कर लेते हैं और जैसे ही लॉकडाउन हटेगा यहाँ पर अपना काम डालेंगे सेकेंड हैंड कार्स को बेचने का अब लॉकडाउन हट गया सबसे पहला फोकस था इस बोर्ड को हटाना क्योंकि इस बोर्ड पर लिखा है बेकरी और इस बोर्ड पर हम लिखना चाहते थे यहाँ पर सेकेंड हैंड कार्स बिकती हैं अब थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना था तो सोचा कि इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी अधिकतर हमारे दिमाग में आता है कि सब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करो वी सेल सेकेंड हैंड काज ही पर क्या यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि कौन बेचता है ऑब्वियसली दुकान अगर गाड़ियाँ बेचने की है तो दुकान ही तो बेचेगी हम ही तो बेचेंगे तो हिंदी है यहाँ गाड़ियाँ बिकती हैं सेकेंड हैंड तो इस सेंटेंस में फर्क क्या है अगर आप ध्यान से एनालाइज करें कि यहाँ पर डूअर ऑफ द एक्शन काम को कौन करता है वो हमें जान कर हटाना है क्योंकि सेंटेंस को थोड़ा छोटा रखना है और फोकस पूरा रखना है कि काम क्या होता है ताकि जो लोग उस बोर्ड को पढ़े उनका टाइम वेस्ट ना हो उनको सीधा पता चल जाए कि अच्छा ये काम होता है और कुछ पॉइंट्स से समझते हैं कि पैसे वॉइस कब यूज़ होता है मान लेते हैं चिंटू पिटा <laughs> चिंटू की हो गई पिटाई उसके मोहल्ले में अब ये सेंटेंस आप टेंसेस को यूज़ करके कभी ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आप ये नहीं बता रहे हैं कि मैंने चिंटू को पीटा या जैक ने चिंटू को पीटा आप तो बस ये बता रहे हो कि भाई चिंटू पिट गया चिंटू ने कोई काम नहीं किया चिंटू यहां पर रिसीवर है मतलब हमें पता ही नहीं है उसे किसने पीटा हमें तो बस ये पता है कि भैया उसकी पिटाई हुई है यहां पर क्या है काम किसने करा वो अननोन है और पूरा का पूरा फोकस हमारा फिर से एक्शन के ऊपर है एक्टर के ऊपर नहीं थर्ड वेन द एक्टर्स आइडेंटिटी डजेंट मैटर अब मान लेते हैं आपने मेरे से पूछा आप घर पर कब पेंट कराते हो मैंने कहा हम दिवाली के टाइम पर घर पर पेंट कराते हैं काम कौन करता है पेंट करने का पेंटर साहब करते हैं पर अब हमें नहीं पता आप में भी जानना नहीं चाहते कि कौन से पेंटर से पेंट कराते हो आप तो बस ये जानना चाहते हो कि पेंट कब होता है यहाँ पर भी क्या हो रहा है हम ये नहीं बता रहे कि कौन पेंट करता है हम ये बता रहे हैं कि पेंट कब होता है क्योंकि जो डूअर है एक्शन का वो इम्पॉर्टेंट नहीं है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कोई बात नहीं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो अभी तक एक डाउट तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें टेंसेस को एक्टिव में पढ़ने के बाद उनका पैसिव वॉइस भी सीखना बहुत बहुत जरूरी है अब क्योंकि मीनिंग में चेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब रूल्स के साथ भी थोड़ी छिड़ाखानी तो करनी पड़ेगी ना वरना हम कहना तो ये चाहेंगे कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है पर कह देंगे कि हम ही इंग्लिश पढ़ाते हैं ये कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए रूल्स देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास सिंपल टेंस आज बस तीन ही टेंसेस की पैसि वॉइस हम सीखेंगे उसके रूल्स में हमें क्या चेंजेस करने हैं चेंजेस क्या करने हैं पैसि वॉइस ने बोला कि देखो मेरा अपर हैंड है मैं स्ट्रांग हूँ तुमसे ज़्यादा तो मुझे कंटिन्यूअस फैमिली के रूल्स दे दो और वर्ब की मेरे को चाहिए थर्ड फॉर्म क्योंकि मैं स्ट्रांग हूं मेरी ग्रामर में ज्यादा इंपॉर्टेंस है रॉयल फैमिली से है ना पैसे तो आपने कंटिन्यूस फैमिली के रूल उठाए सिंपल प्रेजेंट के लिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के उठाए और बना दिया इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपल फास्ट जहां आप डेड और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे अब आप उसी टेंस में यूज करेंगे वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिंपल फ्यूचर में जहां खाली विल आता था यहाँ आ जाएगा विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यहाँ आपका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउट क्लियर होता है कि आप इज एम आर और वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कब यूज़ करते हैं अब एग्जाम्पल से समझते हैं देखो सिंपल टेंस का एग्जाम्पल लेते हैं लोग यहाँ लैपटॉप्स रिपेयर कराते हैं मान लेते हैं आपने ये शॉप ली अब आपको यहाँ पर बोर्ड लगाना है कि यहाँ पर लैपटॉप्स रिपेयर होते हैं एक्टिव वॉइस में अगर बनाएंगे तो हमें ऑब्वियसली डूअर चाहिए एक्टिव वॉइस में आपके पास कौन काम को करता है उसका होना बहुत ज़रूरी है तो ये सेंटेंस तो इजी है हमने बहुत इस तरह के सेंटेंसेस बनाए हैं तो आपने कहा ठीक है पीपल रिपेयर लैपटॉप हियर यहाँ पर लोग लैपटॉप रिपेयर करते हैं पर नहीं ऐसे नहीं बोलते हम कैसे बोलते हैं हम कहते हैं यहाँ लैपटॉप्स रिपेयर कराए जाते हैं या होते हैं क्या काम होता है लैपटॉप्स को रिपेयर करने का ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना बताना कि कौन रिपेयर करता है इसीलिए ये है पैसिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस के अलावा किसी और ग्रामर की फॉर्म से ट्रांसलेट भी नहीं हो सकता तो बस यहां पर आप लैपटॉप से सेंटेंस शुरू करोगे क्योंकि बात लैपटॉप की है लैपटॉप्स आर रिपेयर्ड हियर रूल क्या था सिंपल प्रेजेंट ने इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी तो लैपटॉप्स होते हैं रिपेयर लैपटॉप्स आर रिपेयर ना कि लैपटॉप रिपेयर हियर समथिंग ठीक है तो यह एक बेसिक डिफरेंस आपने समझा है कि पेसिव वॉइस में आपका पूरा का पूरा फोकस होता है वर्ब पर एक्शन पर तो सही इंग्लिश है लैपटॉप्स आर रिपेयर अब देखो लोग कहते हैं पीपल से पर अगर आप आयल्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई academic ऐसे लिख रहे हैं तब वहाँ पर भी पीपल से दैट ना लिखकर आप लिख सकते हैं ऐसा कहा जाता है इट इज़ सेड ऐसा माना जाता है इट इज़ बिलीव्ड कौन ये मानता है ये अंडरस्टुड है कि लोग ही तो मानेंगे हम यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स की थोड़ी बात कर रहे हैं लोगों की ही बात कर रहे हैं तो ये सेंटेंस हम फिर से पैसि वॉइस में बनाएंगे और इंग्लिश आ गई इट इज़ सेड दैट it is believed that this house is haunted it is believed that this house is haunted आप एक और sentence कोशिश करें बनाने की it is said that all the best कोशिश करें वरना भूल जाएंगे अब देखो सिंपल पास्ट में हमने रूल एस्टैब्लिश किया था कि सिंपल पास्ट को इस बार वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए अब सेंटेंस देखो उसने मुझे बुलाया नहीं मे भी पार्टी थी जॉन के घर में और जॉन ने मुझे बुलाया नहीं मैं बहुत उदास हूँ एक तरीका तो ये है कि मैं बता दूँ कि जॉन डिड नॉट इन्वाइट मी पर मैंने कहा यार ब्लेम क्या डालना है किसी के ऊपर बस ये बता देती हूँ कि मुझे बुलाया नहीं था क्या काम नहीं हुआ था इन्वाइट करने का मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ मैं रिसीवर हूँ मैं डूअर नहीं हूँ तो इंग्लिश आ गई आए कौन आए आई के साथ वॉज आई वॉज नॉट इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड आई वॉज नॉट इनवाइटेड आ अब आपने मेरे से पूछा कि आप जॉन की पार्टी में क्यों नहीं आए वाई डेंट यू अटेंड जॉन्स पार्टी लास्ट नाइट एंड एम लाइक आई वॉज इन इनवाइटेड दो ओके अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस वो कह रहे हैं कि उन्होंने उसको टॉर्चर करा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें हमेशा पैसे वॉइस ही यूज़ होगा कि बच्चे का किडनैप हो गया या फिर उसको टॉर्चर करा वो डेड पाया गया अपने रूम में किसने मारा नहीं पता किसने टॉर्चर करा नहीं पता किसने कुछ भी गलत किया हमें नहीं पता हम बस विक्टिम की बात कर रहे हैं कि उसको टॉर्चर करा गया पास टाइम में करा गया सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस उठाकर रूल लगाया दे टॉर्चर्ड हर पर दे लगाने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं डूअर तो हमने कहा इसे पैसिव में बनाओ शी वॉज टॉर्चर्ड पास्ट टाइम की बात है इसीलिए वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म शी वॉज टॉर्चर्ड सेंटेंस he was found dead ही वॉज फाउंड डेड लेट्स चलो नेक्स्ट स्लाइड बनाते अब देखो आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया अब इस सेंटेंस से हो सकती है लड़ाई या फिर कोलीग्स के बीच में वो कोल्ड वॉर हो सकता है कि यार वो मेरे को गलत बोल रहा है कि तूने मुझे बताया नहीं तूने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया तो अगर आप बोलोगे वाई डिंट यू इन्फॉर्म मी अबाउट इट अर्लियर आपने मुझे पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया इस बारे में वाई डिट यू इन्फॉर्म मी अर्लियर Why didn't you inform me about it earlier? मैंने आपको ऐसे बोला आपको थोड़ा बुरा लगा मैंने कहा थोड़ा शुगर कोटेड करके बोलते हैं यू को हटाते हैं डूअर को हटा ही देते हैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालते सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं और चिल करते हैं तो सेंटेंस हो गया वाई वॉज आई इनफॉर्म अबाउट इट अर्लियर मतलब आपने यहां से आपने को हटा दिया काम को जो करने वाला बंदा था डूअर उसको हटा दिया और पूरा का पूरा एम्फोसिस कर दिया कि मुझे बुलाया क्यों नहीं गया मैं रिसीवर हूँ मुझे इनविटेशन ही दिया गया मीटिंग का या मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया तो वाई वॉजेंट आई बस जहाँ पर आप पहले डेंट लगाते थे वहाँ पर अब आप वॉजेंट लगा रहे हैं वाई वॉजेंट आई एनफॉर्म्ड अबाउट इट अर्लियर अब आप ट्रांसलेट करें उसको पार्टी में क्यों नहीं बुलाया गया मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूं कि वाई डेंट यू इन हर मैं बड़ा सटल मैनर में क्वेश्चन पूछ रही हूं कि उसको क्यों नहीं बुलाया गया मतलब वो तो अच्छी है ना उसको बुलाया क्यों नहीं वाए प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस बस वाई के बाद वॉजेंट सब्जेक्ट लगा देना लड़की लड़का जो आपका मन करे शी या ही और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट करिएगा अब देखो सिंपल फ्यूचर में क्या हो रहा है सिंपल फ्यूचर में आप कह रहे हो कि रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे लेट्स एज्यूम आपको एक ईमेल भेजनी है तो आप ईमेल में क्या लिखेंगे कि मैं रिजल्ट्स कल अनाउंस करूँगा आई विल अनाउंस द रिज़ल्ट टू सर विल अनाउंस द रिज़ल्ट टू या आप इसको पैसे वॉइस में बनाना ज़्यादा सही समझेंगे जैसे रिज़ल्ट कल अनाउंस किए जाएंगे कौन अनाउंस करेगा ये सबको पता है कि जो टॉप मैनेजमेंट में सर हैं वो ही रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे कि किस किस का प्रमोशन हुआ है इस साल तो इंग्लिश हो गई द विल उप्स बी डोंट मिस द बी ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बी का कोई अपना मीनिंग नहीं है होना और समथिंग लाइक दैट ये बस एक रूल का पार्ट है कि आप पैसे वॉइस में विल के साथ बी और वर्ब की यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म तो The results will be announced tomorrow. The results will be announced tomorrow. अब आप ट्रांसलेट करें आपको कल इंफॉर्म कर दिया जाएगा हो सकता है मैं कल छुट्टी पर हूं पर जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा इस जॉब के लिए वो आपको जरूर इन्फॉर्म करेगा तो आपको कल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यू विल inform tomorrow. You यू विल मतलब आप इन्फॉर्म करेंगे पर हम कहना क्या चाहते हैं आपके ऊपर काम होगा क्या काम होगा आपको इनफॉर्म करने का तो यू विल बी प्लीज कंप्लीट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस देखते हैं हमारे आज के टॉपिक का और वो है एप्पल कंपनी आईफोन 14 कब लॉन्च करेगी तो हम आ गए एप्पल स्टोर में और हम पूछना चाहते हैं उनसे कि ये इवेंट कब होगा वेन विल एप्पल कंपनी लॉन्च आईफोन 14 क्योंकि मुझे नया फोन खरीदना है अब देखो वेन विल एप्पल कंपनी लॉन्च न्यू आई फोन फोर्टीन अजीब नहीं लग रहा है मतलब कम ऑन आईफोन कंपनी तो लॉन्च करेगी ना अगर उसका फ़ोन है तो सैमसंग थोड़ी करेगा तो इस सेंटेंस को भी पैसिव में बनाना ज़्यादा वाइज रहेगा तो आप कहोगे क्या कहोगे आप जहाँ पर खाली विल यूज़ कर रहे थे बस वहाँ पर वर्ब की लगा देना थर्ड फॉर्म और विल के साथ आ जाएगा बी तो इंग्लिश हो गई वेन विल आईफोन सेवनटीन बी लॉन्च्ड When will iPhone 14 be launched? Excuse me, do you happen to know? Do you happen to know मतलब क्या आपको पता होगा Do you happen to know when will iPhone 14 be launched? बात किसकी कर रहे हैं हम हम फोन की बात कर रहे हैं कि कब लॉन्च होगा ना कि ये कि उसको किसने बनाया है या ये काम कौन करेगा पूरा का पूरा फोकस हमारा है एक्शन पर ना कि डूअर पर यह पैसे वॉइस का पहला पार्ट था आने वाले पार्ट में इसको और डीप लेवल पर समझेंगे कि जो दूसरे टेंसेज हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है आप फटाफट फड़ से मुझे ये बताएं कि आपको वीडियो समझ आई नहीं आई तो भी बताएं समझ आई तो भी बताएं कन्फ्यूजन्स हो रही है तो भी बताएं मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके सारे डाउट्स का ध्यान रखूँगी बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी टिल एंड देंड की तरह फैला दूँ इस वीडियो को थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट